कैसे आप सभी लोग, तो आप जानते रहोगे मेरे को आयुष ब्लॉग्स। तो मैं जानता हूँ कि बहुत टाइम बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, लिटरली 1-1.5 साल बाद ब्लॉग आ रहा है मेरा, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बिजी हो चुका था और पढ़ाई वढ़ाई आप जानते रहोगे। लेकिन आज मैंने सोचा कि मेरे पास कपड़े बहुत पुराने हो चुके हैं, तो मैं सोचा चलो नए कपड़े लिए जाए। तो मैंने ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने देखा कि एक बंदे का रील आया मुझे, जो कि थाने में है जिधर मैं रहता हूँ। वो बंदे का नया नया शॉप खुला है, तो उधर सस्ते में भी अच्छे कपड़े मिल रहे। तो मैं आपको नाम नहीं अभी नहीं बताऊँगा, मैं आपको ओनर के साथ ब्लॉग करूँगा और आपको उसके साथ ही मिलूँगा और नाम भी वही बताएगा। तो मैं आपको उधर मिलूँगा और उधर अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे, डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो चलिए उधर ही चलते हैं और मैं उधर ही ब्लॉग करूँगा, आपको मिलता हूँ रास्ते में, नहीं तो उधर ही। चलो तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं रिक्शे में, तो अभी हम लोग लोकेशन में जा रहे हैं। तो अभी हम कल को हम लोग ने बोल दिया है कि एड्रेस के गाड़ी आने गए, तो आपको नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको उधर ही जाके बोलेंगे। तो अभी 5-10 मिनट में उधर पहुँच जाएंगे, तो मैं आपको बताऊँगा उधर जाके उधर ब्लॉग कर दे। तो चलो आपको मैं उधर ही मिलता हूँ, बाय। मेरे को ये चलेगा आयुष। अरे वो इधर है, लिया वो बताओ दोनों क्या रेट है, कौन सा ले रहा है? इसमें कंफ्यूज है ये वाले में और ये वाले में, क्यों कंफ्यूज है वैसे? रेड है इसीलिए। भाई ब्लॉग बार बार से हो रहा नहीं रहेगा तो सॉरी बोल देते हैं अभी हम लोग, बिकॉज भीड़ देख। भाई क्या क्या लिया, क्या क्या लिया बता दे एक और बार, मजे आ रहे। फाइनली मिल गया गाइस, देख रहे नाम दिख रहे हो, अभी ठाणे में पूरा फेमस हो गया है नाम। ये भाई की शॉप है, ओनर ही है, आप आ सकते हो। भाई की एनर्जी अभी थोड़ी लो है क्योंकि बहुत सारे कस्टमर आ गए यहाँ पे और बहुत ही मतलब रश है, क्योंकि पूरा इतना मतलब वायरल जा चुका है ना शॉप की, बहुत भीड़ आ रही है यहाँ पर, अभी भी लोग आ रहे हैं, देख रहे हो कितनी रश है। फाइनली क्लोज ले चुके हैं हम लोग बीसमैन, तो शॉप आपको बता, देख रहे हो गाइस कितनी रश है। उनके जो ओनर है ना यहाँ पर, देख रहे हो यहाँ चल रहे, उनकी हालत खराब हो चुकी है, तो हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा सा आप वीडियो बना लो, तो उनने बोला कि भाई आप कल आओ, क्योंकि उनकी हालत सुबह से उनको 100, 200, 300 कितने कॉल्स आए रहेंगे, उन्होंने हमें कॉल जीवन दिखा है कॉल लॉग्स में जाके, तो उनने बोला कि आप कल आओ। तो हमने बोला कि कपड़े पे ले लिया, अभी बार बार आके क्या करेंगे। तो हमको ये रेट पड़ा 2000 का, 2100। तो और बहुत अच्छे कपड़े मिले गाइस, अब ये आपको ना क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। अभी आपको क्या करेंगे मालूम है, अभी हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाने के बाद ना ये कपड़े ट्राई करेगा और मजा आएगा, फिर मजा आएगा मिलता हूँ घर घर पे। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा ही पार्टी देना था, मतलब पार्टी तो नहीं, भूख लग रहा था हम दोनों को, तो हम लोग खा रहे हैं पिज्ज़ा, क्योंकि लोकल पिज्ज़ा हम लोग ने लिया है, क्योंकि गाइस यहाँ पर सब ना मुसलमान एरिया, तो इधर वेज कुछ मिल नहीं रहा था और मैं बस वेज ही खाता हूँ, इसके लिए मैंने इसको सजेस्ट किया कि यहाँ पर पिज़्ज़ा खाते हैं वेज, तो यहाँ पर वो खाने हैं, है ना? देख रहे हो वहाँ पर वो चिकन विकन सब बन रहे हैं, हम लोग वेज ही खा रहे हैं बस। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घर पे, तो इतने सारे तो हम लोग ने कपड़े ले लिए, तो अभी मैं आपको ट्राई करके दिखाऊंगा कि ये मेरे इस बॉडी पे कैसे अच्छे लग रहे हैं। तो अभी कितने, ये 3-4 जोड़ी कपड़े, उतने तो मेरे आराम से मैं ले लेता हूँ, तो आपको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। चलो तो गाइस अभी देखो, ये पर्पल वाला लिया था जो कि मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और ऐसे मेरे को लाइट कलर्स बहुत पसंद है। तो आपको कैसा लग रहा है आप बता देना मुझे कमेंट में, अगर आप कमेंट करोगे तो, क्योंकि ज़्यादातर मेरे वीडियोस में कमेंट नहीं आते, पर अगर इस वीडियो पे आए तो अच्छी बात है। तो कैसा लग रहा है आप बता देना, तो आपको मैं अभी बताता हूँ। दूसरा ब्राउन कलर का एक है, तो गाइज ये है मेरा दूसरा आउटफिट नहीं मतलब दूसरा शर्ट, जो कि है ब्राउन कलर का, क्योंकि पहला वाला पर्पल था तो वो थोड़ा बहुत लाइट कलर का था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा डार्क कलर का भी लेते, क्यों
क्योंकि कभी कभी ऐसा यू नो कभी कभी पहनना रहता है। तो एक ये भी कैसा लग रहा है क्योंकि ये ज़्यादातर मैंने जिधर जैसा देखा जिधर से खरीदा है वो ज़ारा का लिए, तो ज़ारा का क्वालिटी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है कॉटन का। तो मैं अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप भी उधर से लो, अगर आप थाने के पास रहते हो या मुलुंड या थाने के पास रहते हो तो आप ले सकते हो क्योंकि क्वालिटी इसके बहुत अच्छे। तो मैं आपको एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, लास्ट तक बने रहो, हम आपको एड्रेस बोल के दिखाएंगे, आपको बोल के दिखाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी देंगे। तो गाइस ये है मेरा लास्ट शर्ट क्योंकि इसके बाद मैं जैकेट पहनने वाला हूँ। तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो दोनों आपने देखा रहेगा कि उन दोनों में पैटर्न है, पर ये सिर्फ नॉर्मल डार्क ग्रीन कलर है और डार्क ग्रीन मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं वॉचेस भी वैसे लेता हूँ क्योंकि डार्क ग्रीन कलर मेरा टाइप ऑफ फेवरेट है। तो आप बताना मुझे कि कैसा ये लग रहा है। तो ये मेरा फिटिंग भी मेरे को अच्छा है, आप अभी देख ही सकते हो। तो अगला चीज़ पहनने के लिए जो कि मैंने जैकेट खरीदा जो सबसे महंगा है, तो वो चीज़ पहनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि वो जैकेट मैंने ऐसे टाइप का जैकेट मैंने कभी पहना नहीं। मैंने लिया तो थोड़ा अलग कॉटन टाइप का लिया पर ये अलग सिलिकॉन टाइप का मुझे लगा। तो गाइस ये रहा मेरा फाइनल आउटफिट। ये जैकेट क्योंकि मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि इसके पहले मैंने रेड कलर का खरीदा था जो कि आपने देखा रहेगा ब्लॉग में, पर मैंने सोचा क्योंकि मेरे पास एक है 5000 का जैकेट अभी, मतलब वो मैंने पहले खरीद के रखा, उसमें भी वाइट कलर का डिज़ाइन है, तो मैंने सोचा चलो दूसरा कुछ ट्राई करते। ये ऐसा मैंने पहली बार लिया तो मैंने सोचा चलो ये वाला ट्राई करते, और ये ऊपर से सिलिकॉन का है तो मैंने सोचा चलो भाई ये देखते अपने को सस्ते में भी अच्छा माल मिल रहा है। तो आप लोग को कैसा लगा ये मेरा फाइनल जैकेट? तो इसको हम दो तरीके से पहन सकते हैं, एक तो जैसे मैंने पहना है और इसको जैकेट भी बना सकते हैं जिसके अंदर आप वाइट पहनो या ब्लैक पहनो। तो ये था मेरा फाइनल आउटफिट। तो आपको मैंने सब दिखा दिया जो भी मैंने खरीदे। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा वो दुकान का या शॉप का एड्रेस। गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ इसका एड्रेस क्या है। इसका एड्रेस है नियर जुम्मा मस्जिद अंसारी रोड। अंसारी रोड अपने थाने में आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट गूगल में आप ना वो जो शॉप का नाम है ना वो डालोगे ना गूगल मैप में तो वो डायरेक्ट आपको शॉप के सामने खड़ा कर देगा लाके। इसके लिए आप गूगल मैप से जा सकते हो, है ना। शॉप का नाम है डीसमैन। मैं आपको नीचे आपको इधर आपको स्क्रीन में ऐसा वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। आपको मैं पूरा नीचे डिटेल में एड्रेस उसका नाम उसका लोकेशन सब आपको बता दूंगा। हाँ तो आपको ऐसे आपको मतलब जो प्रीमियम कपड़े रहते जो कि बड़े बड़े शॉप से रहते वो उधर आते हैं। तो अगर आपको ऐसे कपड़े लेने हैं तो आप चाहे तो उधर जा सकते हो जो थाने में रहते जो मुलुंड में रहते। और सबसे वायरल शॉप है वो थाने की सबसे वायरल शॉप है। उनका इंस्टाग्राम भी काफी ज्यादा फेमस है मैंने देखा तो मिलियंस में भी जाते हैं उसमें भी। तो इसलिए मैं सोचा चलो जाते हैं उधर देखते सस्ते में उधर अच्छे कपड़े मिल जाएंगे ब्लॉग के लिए भी क्योंकि बहुत टाइम बाद हम ये व्लॉगिंग वापस चालू कर रहे और कंटिन्यू भी करेंगे विद द न्यू कैमरा विद द न्यू कैमरामैन मेरा भाई मेरा दोस्त क्योंकि ये बंदे ने मेरे को आइडिया दिया कि चल भाई व्लॉग बना तू। तो ये भाई ने भी बहुत मेरे को हेल्प किया नया आइडिया दिया। तो इसका नाम मैं बता देता हूँ वेदांत बुराटे। तो ये भाई भी अपना इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस है मिलियंस में इसको भी व्यूज जाता है बस क्या? तो आप भी इसका भी इंस्टा आईडी मैं नीचे डाल दूंगा मेरा भी इंस्टा आईडी मैं नीचे डाल दूंगा। तो आपको मैं मिलूंगा अगले ब्लॉग में। बहुत टाइम बाद ये ब्लॉग आया था ऐसे अच्छे लुक में ऐसे ही अच्छे मूड में और पब्लिक को प्रॉमिस कर कि हर वीक में एक व्लॉग तेरा जरूर आएगा। जो मैंने मेरे थंबनेल या वो उसको क्या बोलते हैं इसको किसको वो अपना बैनर हाँ मैंने जो बैनर में जो मैंने लिखा था एवरी वेनर्स डे न्यू व्लॉग हम फिर से चालू करेंगे कंटिन्यू रखेंगे। तो अब भी देखते कितने हमको व्यूज आते कितने कंसिस्टेंट हम रहते। तो गाइस आपको मिलूंगा मैं अगले व्लॉग में ऐसे एनर्जी के साथ ऐसे आउटफिट के साथ ऐसे इंजॉयमेंट के साथ। तो आप भी बने रहना। तो आपको मिलूंगा मैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।